मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रयास जारी है, लेकिन इसी बीच बुधवार को प्रदेश के वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बयान दिया कि अभी सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही। ऐसे में पुरानी पेंशन की मांग कर रहे संगठनों को झटका जरूर लगा है। उधर अब मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ द्वारा 13 मार्च को एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अधिवक्ता संघ अरेरा हिल्स एमपी नगर में होना तय हुआ है। पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन अधिवक्ता संघ अरेरा हिल्स एमपी नगर में होना तय हुआ है। पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पुरानी पेंशन बहाली की विधानसभा में घोषणा किए हैं। हम छत्तीसगढ़ सरकार को बधाई देते हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को ये पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा प्रदान किया है। निश्चित बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार का ये सराहनीय कार्य रहा है। मध्य प्रदेश सरकार से भी अनेकों बार निवेदन किया गया है, एक प्रार्थना की गई है, परंतु आज मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का स्पष्ट बयान आ चुका है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन के लिए आंशिक संशोधन किया जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। साथियों, ये पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों की वृद्धावस्था की दो वक्त की रोटी है। यदि हमारी वृद्धावस्था की दो वक्त की रोटी हमें प्राप्त नहीं होती है तो निश्चित है वह कर्मचारी किसी लायक नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद द्विवेदी ने प्रदेश के समस्त विभाग के समस्त जो आज पेंशन विहीन है, जिन्हें आज पेंशन नहीं मिल रही है, जिन्हें अपने वृद्धावस्था का डर सता रहा है, 13 मार्च दिन रविवार को भोपाल में एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन के लिए हम सब एकत्रित होंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा, जिससे हमारी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान किया जाए। वरिष्ठता ही सब कुछ है। यदि हमारी वर्ष तक मिल गई तो निश्चित बात है कि शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजी द्वितीय क्रमोन्नति के पात्र हो जाएंगे और 2006 के बाद नियुक्त हमारे संविदा शिक्षक क्रमोन्नति और पदोन्नति के पात्र हो जाएंगे। केवल हमारी एक ही मांग है कि प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करते हुए प्रदेश के समस्त विभाग के कर्मचारियों के दो वक्त की रोटी, 62 वर्ष बाद वृद्धावस्था की रोटी, पुरानी पेंशन मध्य प्रदेश सरकार बहाल करे, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक नारा पुरानी पेंशन अधिकार हमारा। इस मांग को लेकर के मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के द्वारा आयोजित एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन में हम अपने लिए अवश्य पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ, साथियों, आज छत्तीसगढ़ सरकार अपने प्रदेश के समस्त विभाग के पेंशन विहीन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की। हम छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का आज ही यह बयान आया है कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने का अभी कोई विचार नहीं है, इस पर कुछ संशोधन किया जा सकता है, परंतु पुरानी पेंशन देने का भी कोई विचार नहीं है। यह मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री महोदय जी का बयान अभी अभी आया है। साथियों, यदि पुरानी पेंशन नहीं मिली, पुरानी पेंशन के नाम पर कुछ लोग नेतागिरी किए, अपनी राजनीति को चमकाने का प्रयास किए, तो मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी। मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ, मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के बैनर तले एक दिवसीय 13 मार्च दिन रविवार को एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन भोपाल में किया जाएगा। हम सब पेंशन विहीन हैं, हम सबको पेंशन चाहिए, हमको पेंशन नहीं मिल रही है, यह मानना है, और यह पूर्णतः पेंशन विहीन साथियों का कार्यक्रम है। इसमें केवल पेंशन विहीन ही सम्मिलित होंगे। हम पेंशन नहीं पा रहे हैं और मुझे पेंशन लेना है, इस भावना को दृष्टिगत रखते हुए 13 मार्च दिन रविवार को एक दिवसीय सांकेतिक प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
किया जाएगा। आप सभी से क्रमबद्ध निवेदन है कि मुझे पेंशन लेना है, मुझे पेंशन लेना है, इस भावना को मन में लेकर के मध्य प्रदेश पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के बैनर तले एक दिवसीय भोपाल में सरकार को ज्ञापन पत्र सभी के समक्ष सौंपा जाएगा। और ज्ञापन पत्र क्या है कि शिक्षा गारंटी शाला के गुरुजी को प्रथम नियुक्त दिनांक से शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, समस्त अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता मानते हुए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। प्रथम नियुक्त दिनांक से वरिष्ठता, यह हमारा प्रथम मुद्दा है, क्योंकि हमारे 2006 के बाद नियुक्त समस्त विभाग के जितने भी अध्यापक संवर्ग के साथी हैं, आज तक उन्हें किसी भी प्रकार की न तो क्रमोन्नत मिली और न पदोन्नत मिली है। हम सबको एकजुटता के साथ केवल पुरानी पेंशन बहाली महासंघ के बैनर तले आकर के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करना है। जय महासंघ, जय महासंघ, जय महासंघ।